अरे वाह, क्या बात, बहुत सॉरी, मैंने पहले क्लैपिंग कर दिया अभी आपका। आई थॉट म्यूजिक फिनिश हो गया तो वो गाना फिनिश लास्ट हो में मैंने गया। मेरा कुछ जोड़ दिया। मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा गाना। कागज के फूल का आई कागज सपोज, के फूल, गुरुदत्त, गुरुदत्त, वहीदा, वहीदा वहीदा, रहमान, ओ और इसकी गॉड। म्यूजिक कंपोजर भी गुरुदत्त, सॉरी गीता दत्त हैं, और एसडी बर्मन के साथ में उन्होंने ये पूरा मूवी जो है वो कंपोज किया है। मुझे गीता दत्त बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके कंपोज्ड गाने मतलब म्यूजिक जो है उनको काफी अच्छा है, तो ये उनमें से एक गाना है, बिल्कुल मुझे गाना आइकॉनिक, पसंद है, आइकॉनिक सॉन्ग गाना भी है, बहुत मतलब पसंद है। बहुत ही प्यार, बहुत अच्छा गाया दिव्या जी आपने, मजा आ गया। लक्ष्मी जी, जैसे कि आपने बताया था कि कुछ साल पहले आपके आवाज का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बावजूद आपने इतना कमाल का गाया आज, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और श्रुति, वो पिच वगैरह सब कुछ बराबर था, वेरी नाइसली रेंडर्ड। थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग। उषा जी,
योर वॉइस इज वेरी स्वीट एंड सॉन्ग सिलेक्शन इज ऑल्सो हाईली ब्यूटिफुल एंड यू सैंग सो ब्यूटिफुली वेल एंड रियली एज यू सेड यू हैड अ प्रॉब्लम विथ योर वॉइस बट बाई गॉड्स ग्रेस यू गॉट इट बैक सो जस्ट कंटिन्यू सिंगिंग यू आर अ ब्लेस्ड सिंगर. तपस्या मुझे याद नहीं है मुझे क्या कहना है, बिकॉज आई एम लाइक रियली स्पीचलेस. अगर कैफी आजमी साहब की बात करते हैं और गुरुदत्त की बात करते हैं तो ये गाना तो बनता ही है. सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और आपकी आवाज वाकई बहुत 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 अच्छी है. आप ट्रेंड सिंगर हैं, नहीं, सीखा कहीं नहीं है. बहुत कमाल का सुर है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. रेखा जी बहुत अच्छा गया मैम, और बहुत गाना भी बहुत सुंदर था, और आपने उसे इतनी मीठी आवाज में इतनी रिदम से गाया, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छी आवाज है आपकी मैम. क्या मैम नहीं बोलेंगे, क्या क्या बोल बोल हाँ ठीक सकते हैं. अच्छा है दिव्या जी ठीक है. ठीक है. मनीष जी दिव्या जी, सच में ये गाना मेरा फेवरेट है, और जब सैड सॉन्ग की बात आती है तो ये सैड तो नहीं कहूँगा, पर हाँ इसमें जो इसकी थीम है वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो सैड तरफ ले जाती है, पर आपने जिस तरीके से गाया, जितने मिठास से गाया, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही बढ़िया. ऐसे ही गाते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच दिव्या जी. ओके सो रंजीत सर, रहेजा जी का कमेंट रह गया. नहीं, अनु का भी रह गया, बट हम रोटेशन में लेते हैं सबका थोड़ा सा ना, हर बार नहीं ले पाएंगे. मैंने पहली बार गाया ना, जिसलिए. दिव्या अच्छा आज आपका ले लेते जी, हैं. दिव्या जी बहुत सुंदर गाना गाया है आपने. आपकी आवाज तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है आपकी. आप मतलब जैसे पहले कह रहे थे कि बात आवाज में कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब आप आपकी आवाज अब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है आपकी आवाज. थैंक आप यू ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू रखिए इसको. सर. ओके अनु मैम, आई अग्री विथ एवरी वन. यू शुड सिंग मोर एंड मोर ऑफन, एंड वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू यू ऑफन. सो ऐसा लगा नहीं, जैसे आपने बोला आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बिल्कुल ऐसा, यस इट डिडंट कम अक्रॉस लाइक थैंक दैट इवन वन बिट. सो ऐसा लगा जैसे कोई प्रोफेशनल है. अगर आंख बंद करके सुन रही थी मैं, तो इट वाज लाइक कि कोई प्लेबैक सिंगिंग सिंगर ही है जो गा रहा है. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल यू, मैम, वेरी क्या बात है, ब्यूटीफुल. बहुत ही सुपर. थैंक यू. ओके तो रंजीत, वर यू एबल टू लिसन टू दिव्या जी सॉन्ग? So I've been kind of because sir said it's Kaifi Azmi songs, right? So I've been listening to his quite a bit of songs to understand which should I sing, and his poetry is so beautiful. So I was more invested into the lyrics of the song, ma'am. But I think you underplayed yourself by saying that you're not a trained singer. You're just trying it. But I just felt that the emotion of the song, emotion of the lyrics, I felt is most important for when you sing songs that are based on good poetry. I think it's all about the expression, and ma'am, I think you kind of really nailed that. थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या. थैंक यू सर.